हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिद्धार्थ राय। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिवाली ब्लॉग। इस ब्लॉग में सबको पहले मैं हैप्पी दिवाली बोलूँगा, तो हैप्पी दिवाली सब। फिर अपन को पैकिंग भी करनी है, कल के लिए फ्लाइट है ना हमारी। पैकिंग करने के बाद रात होगी जब, तो हम जाएंगे छत पे। और वैसे पटाखे तो बैन ही है, हम थोड़े बहुत पटाखे जलाएंगे। अभी आप क्या करने जा रहे हो? अभी लाइट्स लगाने। अभी मैंने क्या, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं। ये रे पापा रेडी? अरे बताओ ना रेडी हो? हाँ, आई एम रेडी। हैप्पी दिवाली। आप? लाइट को दिखाने के लिए 650 का व्यू लिया जा रहा है। ये तो नीचे लगे ना, तो सीधे उस तक ऐसे लेके जाओगे? तो लाइट लगा चुकी है हमने, मजे की लाइट लगाई है। तो ये लगाया है हमने। चलो 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 नीचे चले। तो गिर जाओगे। टोकन चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा, नंबर दे। ये लो। क्या अभी बाहर निकलोगे तो ना? ठीक है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? अरे उसको पन्नी से निकाल के करो। नहीं करूँगा। सिद्धार्थ को रंगोली बनानी है, तो अभी हम जा रहे हैं रंगोली बनाने के लिए। मैं बनाऊंगा पहले। ठीक है, आप बना लेना। हाँ, क्या पेमेंट गेटवे आ गया इसमें? गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिवाली। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। सबको हैप्पी दिवाली तो बोल दो। हैप्पी दिवाली। मैं चलो चल रहे हैं। आपकी बहुत देर वेट कर रहा है। ठीक है, मैं चल रही हूँ। सिद्धार्थ बोल रहा है कि उसको बनानी है रंगोली। मुझे ज़्यादा कुछ रंगोली बनानी तो आती नहीं है, फिर भी मैं हर साल कोशिश करती हूँ, तो रंगोली बनाऊँगी मैं। अभी अभी बोल रहा है तो अभी बना लेती हूँ। अभी 1:15 हो रहा है, अभी खाना भी हमारा कुछ भी नहीं बना है। पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा ना प्रोसेसर स्लो चल रहा है, मन नहीं कर रहा उतना कुछ ज़्यादा करने का, पर करना तो सारा काम है, करना तो पड़ेगा ही, उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे गोभी मैंने गर्म पानी करने के लिए छोड़ा था कि गर्म पानी में रख दूँगी इसको, और ये उबल गई। मैं इसको छोड़ के और भूल करके दूसरे रूम में चली गई, तो ये बॉयल हो गई है। तो ये गोभी की सब्ज़ी बनेगी आज। कल भी गोभी बनाई थी मैंने, आज भी बनाऊँगी, लेकिन आज दूसरे तरीके से बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर लौकी छील के रखी है, लौकी के कोफ्ते बनेंगे। थोड़ी बहुत तैयारियाँ यहाँ मैंने कर रखी है, जैसे लहसुन छील के रखे हैं, प्याज छील करके धो के रखे हुए हैं। ये यहाँ पे मैंने छोले उबाले हुए हैं, नहीं सॉरी उबाले नहीं, उबालने हैं अभी, भिगो के रखे हुए हैं। और क्या बनेगा? हाँ, और बैंगन, बैंगन का भरता बनेगा। तो एक बैंगन रखा हुआ था, तो ये बैंगन मैंने रोस्ट करके और छील छाल के रखा हुआ है। तो बस अभी खाना बनाने का, वो मैं बना लूँगी आराम से। सुबह पोहा बनाया था तो वो खाया है सबने। फ़िलहाल चलिए, इसकी जो इतनी सुबह से बस एक ही चीज़ इसको समझ में आ रही है, रंगोली। तो रंगोली बनाऊंगी अभी, तब दिखाऊंगी आपको कैसी बनी है। लेके नहीं गया वो? ये आज निकला है। ये है सिद्धार्थ की रंगोली, इसकी दिखा दो। ये सिद्धार्थ की क्या बना रहा था? ये रेसिंग कार बन गया। रेसिंग कार बना रहा था और बन गया ये। मैं कुछ और बनाना है। Thank you.
ये बनी है मेरी रंगोली, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बनी है, पर हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बनी है, अच्छी लग रही थी। बीच का जो पोर्शन है, जो गोल एरिया है जिसमें मैंने रेड कलर किया है, वो मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो उसमें मैंने कुछ और टचअप्स किए थे बाद में, तो वो और अच्छी लगने लगी थी। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे गेट का, वहाँ पर थोड़ी जगह है, तो वहाँ पर मैंने वो वाला पीस बनाया है, और राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बस ये थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है। और मुझे ये छोटा वाला जो रंगोली है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी बड़ी वाली के कंपैरिजन में। तो दरवाजे की जितनी भी डेकोरेशन थी वो तो हमने कल ही छोटी दीपावली के दिन सारा निपटा दिया था, बस आज दो तीन चीज़ें उसमें और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये शुभ दीपावली जो लगाई जाती है ये लग रहा है, और दूसरा गेंदे के फूलों की एक जो गेट पे लगाने वाली झालर होती है वो, और आम के पत्ते की एक झालर जो है इस साइड और बालकनी के गेट दोनों तरफ में हमेशा लगाती हूँ, तो वो हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये हम दीपावली के दिन ही लगाते हैं। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि गेट पे रियल फ्लावर की डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि आर्टिफिशियल, तो मैं आर्टिफिशियल इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसको आप दो तीन दिन तक लगा के इस डेकोरेशन को रख सकते हो। अगर आप रियल लगाओगे तो आपको उसको डेली डेली चेंज करना पड़ेगा, आप उसको एक दिन लगा के छोड़ नहीं सकते। तो अगर ये डेकोरेशन हम करते हैं तो ये हमारा या तो धनतेरस या तो छोटी दीपावली के दिन सजा देते हैं इस तरीके से गेट को, और उसके बाद ये हमारा छठ के बाद ही फिर हटाया जाता है, तो इतने दिन आराम से चल जाता है। तो रंगोली बना ली है मैंने, और मेरा गेट का डेकोरेशन भी सारा हो गया है, और अब खाना जो कि मेन है, और आज मुझे अपनी सारी पैकिंग भी निपटानी है क्योंकि दीपावली के नेक्स्ट डे ही हमारी फ़्लाइट थी, और मॉर्निंग में ही हमको 11:15 बजे के आसपास घर से निकलना है। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे आज पूजा भी करनी है, दीपावली भी सेलिब्रेट करनी है, और सारी की सारी पैकिंग निपटानी है, एकदम फुली डन करके आज मुझे पैकिंग सोनी है, तभी मैं कल टेंशन फ्री रह पाऊँगी। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कुछ मैंने लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं रखा था, हल्की फुल्की चीज़ें रखी हैं। तो गोभी की सब्ज़ी मैंने सोची हुई थी, तो गोभी की सब्ज़ी मैंने कल भी बनाई थी, कल मैंने आलू गोभी बनाए थे, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे गोभी बना रही हूँ। तो ये सिर्फ गोभी है, इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ। इस रेसिपी में बस गोभी को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया जाता है, और उसके बाद मसालों के साथ उसको अच्छे से भून लिया जाता है, तो बस एक मसालेदार गोभी आप इसको समझ लीजिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मैंने बैंगन भून के रखा था तो उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और छोले भी बनेंगे, राइस भी बनेगा, और पूरी जो है वो बस नाम के लिए आज बनेगी, मेरे लिए आज राइस ही हम लोग खाने वाले, क्योंकि कल जैसा कि आपको याद होगा छोटी दिवाली के दिन हमारे घर में गेस्ट आए थे, तो मैंने मेथी की पूरियां बनाई थी और सादी पूरियां भी बनाई थी, तो पूरी खा के ना मन एकदम भर गया है, तो इसीलिए बस नाम के लिए कढ़ाई चढ़ेगी, बाकी तो हम राइस ही खाने वाले हैं। और जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं हम दोनों मिलकर के, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी दोनों देख रही हूँ, भरता और गोभी की सब्ज़ी, और इधर हस्बैंड छोले प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब दो लोग किचन में होते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं, तो काम बहुत जल्दी जल्दी निपट जाता है, और आप हमेशा नोटिस करना कि काम में कभी भी बोरियत नहीं लगेगी, अगर दो लोग मिलकर कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो बेशक 80-90% काम आप ही कर रहे हैं, घर की लेडीज़ ही कर रही हैं, लेकिन जो 10-20% किसी और ने कर दिया, एक तो वो भी काम हो जाता है, और दूसरा एक कहते हैं ना फन आ जाता है काम करने में, तो बोरियत नहीं होती है, और बातचीत करते करते सारा काम हंसी खुशी निपट जाता है। तो बस जल्दी से हम लोग खाना बनाएंगे, और उसके बाद करनी है पूजा की तैयारी भी।
अभी यहाँ पे है शाम का वक्त और हम सभी लोग पूजा के लिए तैयार हो गए। अभी मुहूर्त नहीं हुआ है पूजा का, बस हम लोग धीरे धीरे करके सारी तैयारी कर रहे हैं कि जब मुहूर्त होगा तो बस पूजा करना रह जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं धीरे धीरे काफ़ी पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ ये डर रहता है मुझे। तो मैंने चौकी वगैरह लगा दी है और चौकी पे जो कपड़े वगैरह थे उनको मैंने पहले ही धो के डाल दिया था दोपहर में, तो वो सूख गए थे, वो मैंने लगा के तैयार कर लिया है। और चौक पूरी जाती है हमारे यहाँ आटे से, तो वो मैंने पूरी है यहाँ पे चौक और सब कुछ। ये सारा काम करते करते मुहूर्त यहाँ पे लगभग हो ही गया था। और ये सिद्धार्थ का कुर्ता, मैंने उसे बोला कि एक बार अपनी ड्रेस दिखा दो, तो वो बिना मन से खड़ा हुआ है ड्रेस दिखाने के लिए और एकदम बोर हो रखा है, क्योंकि हमने उसको घर पे बिठाया हुआ, कहीं जाने नहीं दे रहे कि जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी बोरियत लग रही है इस टाइम। सारे दिए जो थे वो हमने पहले से ही बना के रख लिए थे, क्योंकि ये काम जो है ना बहुत टाइम टेकिंग होता है, सारे दियों में तेल डालना, बाती लगाना। तो जो घी के दिए जलेंगे वो हमने अलग से तैयार कर लिए हैं और जो तेल के दिए जलेंगे वो भी हमने अलग से तैयार कर लिए हैं। सब में बाती सेट कर ली है और ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे पूजा का भी प्रारंभ हो चुका है, तो जो कलश बनाते हैं वो कलश मैं तैयार कर रही हूँ, नारियल तैयार कर रही हूँ। तो नारियल पे कपड़ा चढ़ाया जाता है रेड कलर का, तो या तो आप कपड़ा लगा लीजिए या इस तरीके से मौली उस पे बांध दीजिए, तो वो मतलब वस्त्र अर्पण करना ही हो जाता है अगर आप मौली तोड़ के थोड़ी सी रख देते हैं या बांध देते हैं। और नई मूर्ति, जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जो मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी पूजा करने के लिए, क्योंकि इस बार के जो लक्ष्मी गणेश हैं ना बहुत सुंदर मुझे मिले। और कहा जाता है कि सुंदर, जितने सुंदर लक्ष्मी गणेश रहते हैं उतना अच्छा रहता है, तो बहुत देख सुन समझ के मूर्तियाँ खरीदनी पड़ती हैं। कई दुकानों पर ढूंढने के बाद मुझे जो है भगवान की ये मूर्तियाँ, सुंदर सी मूर्तियाँ मिली, तो मैंने इनको भी माला अर्पण कर दी है। और जो मेरे मंदिर के लक्ष्मी गणेश हैं, मतलब एक पीतल के भी मैंने मंदिर में है लक्ष्मी गणेश, तो उनको भी मैंने खड़े होकर माला अर्पण कर दी है, दीपक जला दिया है और पूजा का यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। और सिद्धार्थ के अंदर का भक्ति भाव आप देख ही सकते हैं, उमड़ उमड़ के किस तरीके से कैमरे के सामने आ रहा है, बहुत ही नौटंकी बाज लटका है ये, कैमरा देखते ही एक्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। पूजा यहाँ पर संपन्न हो चुकी है और अब बारी है आरती की, तो मैं आरती गाऊंगी, सिद्धार्थ जो है घंटी बजाएगा और हस्बैंड जो है वो शंख बजाएंगे।
बच्चों को बस मस्ती करने का बहाना चाहिए होता है, हर चीज़ में वो मस्ती ढूंढ लेते हैं। और ये सारी क्लिप्स देख करके मैं बाद में बहुत हंसी, क्योंकि उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये कर क्या रहा है। मैं पूजा में बिजी थी और बाद में जब ये क्लिप्स देखी तो हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया कि ये क्या क्या हरकतें कर रहा है कैमरे के सामने। और अभी आप सिद्धार्थ का यहाँ पे रिएक्शन देखना, उसको समझ में आ गया था कि आरती ख़त्म होने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी आरती का लास्ट चल रहा है तो आप उसका रिएक्शन जरा गौर से देखना कि वो कितना खुश है मस्ती करने के लिए, क्योंकि वो पूजा के लिए रुका हुआ था। तो जब पूजा विधि अच्छे से संपन्न हो जाती है तो मन को बहुत ही तसल्ली, बहुत ही सुकून मिलता है। और इसी सुकून के साथ मैं यहाँ पर बैठ के दिए जला रही हूँ बाकी के, और उसके बाद इसको मैं अपने पूरे घर में लगाऊंगी, घर के बाहर लगाऊंगी, छत पे लगाऊंगी। आज के इस पावन अवसर पर मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हम सभी की लाइफ हंसी खुशी और सुकून की रोशनी से भर जाए, सभी लोग खुश हों, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, परिवार सबका फलता फूलता रहे। हर इंसान की बस यही कामना होती है कि उसका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, किसी भी चीज़ की कभी कमी ना हो, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। तो गणेश जी, लक्ष्मी माता सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और अपना आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना के रखें, बस यही कामना करती हूँ। आज के दिन घर के सारे द्वार खोल दिए जाते हैं, जितने भी बंद दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं ताकि भगवान का आगमन हो सके, लक्ष्मी माता का आगमन हो सके। तो आज के दिन घर में ताला चाबी कुछ भी नहीं लगाया जाता है। हाँ, हम शहरों में रहते हैं तो हम दरवाज़ा खोल के रात भर नहीं सो सकते हैं, दरवाज़ा तो बंद ही करना पड़ता है। पर हाँ, अलमारियों में और संदूक में या फिर भंडार की जगह में कहीं भी ताला या चाबी नहीं लगाया जाता है, घर के सारे द्वार खुले रखे जाते हैं ताकि भगवान हमारे घर में आ सकें। Happy Diwali. तो घर में हर जगह हमने दिए लगा दिए हैं और अब छत की बारी है तो हस्बैंड और सिद्धार्थ जा रहे हैं छत पे मोमबत्ती और दिए रखने के लिए। थोड़ा सा शगुन के नाम पर और बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि बच्चों को फुलझड़ी छुड़ाने में बहुत मज़ा आता है, हमने 2-4 फुलझड़ियाँ छत पे छुड़ाई।
सा ही छोटा सा सिंपल सा हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन रहा। काफ़ी देर तक हमने छत पे मस्ती की और लाइट्स को देखते रहे और उसके बाद नीचे आए। खाना पीना खाने के बाद हमने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। तो इसके बाद आपको मेरे गांव के व्लॉग्स मिलेंगे क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और छठ पूजा की सीरीज़ भी मैं इस बार शूट करूँगी, तो वो सब कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए, अपना ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।